दुर्ग जिला ग्रामीण युवा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और पटेल चौक पर पुतला दहन कर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। दुर्ग जिला ग्रामीण युवा कांग्रेस अध्यक्ष जयंत देशमुख के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों ने गुरुवार को दुर्ग पटेल चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और जमकर नारेबाजी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। युवा कांग्रेसियों का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। दुर्ग जिला ग्रामीण युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत देशमुख ने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ बेतुकी आपत्तिजनक बयानबाजियां कर रहे हैं, जिससे उनका मानसिक दिवालियापन प्रमाणित होता है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। कोई आपत्ति नहीं है, सार्थक टिप्पणी हो, कोई भी एक सार्थक दंज हो, पक्ष विपक्ष के बीच में एक वो अच्छा सा जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा है, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये इनडायरेक्टली टिप्पणी जो खुद की सरकार में अपने कार्यकर्ताओं को ये बोलते थे कि कमीशनखोरी बंद करो, उसका इस सरकार पे आरोप लगाना कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार जो है कांग्रेस पार्टी का एटीएम है, ये गलत है। और ये अगर यदि वो बोलते हैं इस प्रकार से तो साबित करके बताएं। अभी तक तो किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ साबित नहीं की गई है उनके द्वारा, और उनके परिवार के ऊपर करीब 3 से 4 FIR हो चुके हैं और सभी प्रकरण न्यायालय में लंबित है। और पिछले 2 साल पहले उनके दमान जो 2 या 3 महीने तक के फरार भी घोषित थे, इससे प्रमाणित होता है कि उनका परिवार जो जमीन से लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेसियों ने साफ कर दिया है कि वे कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजियां कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाजपा नेता अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आए तो जिला युवा कांग्रेस के द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।